हेलो गाइस, वेलकम बैक। क्या चल, आई होप अच्छे होंगे। तो भाई जल्दी से आकर वीडियो को लाइक कर लो। इस वीडियो की लाइक का एम है 30,000, जल्दी से आकर इसको पूरा करा दो। तो भाई लास्ट एपिसोड आप लोगों ने देखा था, हमारा प्यार ड्राइवर काफी अमीर बन चुका है, काफी चीजें हमारे पास आई है, ऊपर से हमारा कैसल भी हमारे पास आ चुका है। भाई अभी तो उस पर मैंने गार्ड्स भी लगवाने शुरू कर दिए। धीरे धीरे जब हमारे और भी ज्यादा सिक्योरिटी बड़ी हो जाएगी तो मैं वहां पे सारे बंदों को पहुंचा दूंगा। अभी मैंने वहां पर कौन से बंदे पहुंचाए, वही अपने लिपस्टिक वाले चाचा, मैंने उन सभी को वहां पे पहुंचा दिया है। भाई वो बंदे वहां पर रहेंगे, उनके लिए कोई अच्छा सा हेडक्वार्टर मेरे को नहीं मिल रहा था, वो बेस्ट जगह है, कैसल पर रहेंगे। आगे से कभी मैं उनको बुलाऊंगा तो आ जाएंगे हमला करने के लिए। तो फिलहाल भाई अभी हमारे पास काफी पैसे भी आ चुके हैं, हमारी पावर्स भी काफी बन चुके हैं। आपके बताइए, जनरल बन के रखे हैं यार, तो इतनी ज्यादा पावर्स तो हमारी होनी चाहिए। फिलहाल अभी बस एक बंदा बचा हुआ है। आपको याद है कुछ गाड़ियां अभी बची हुई है, 3 मेरे पास हो चुकी है, 2 कलम ने खरीद ली थी मेरी वेदर वाले बंदों से। अभी एलेक्स को मैं ढूंढूंगा, आपको याद होगा वही एलेक्स लिबर्टी सिटी वाला बंदा, वो मिल जाएगा तो बाकी गाड़ियां भी मिली जाएगी। गाड़ियां लेकर के फटाफट से विक्टर को देते हैं। तो फिलहाल भाई एलेक्स मैंने सोचा था भाग गया वगैरह वगैरह, बट वो भागा नहीं है, ऐसा भी हमें लगता है। लेस्टर ने मेरे को बोला कि ट्रेवर फटाफट से जा एक साइट पे जहाँ पे काम चला हुआ है, वहां पे बहुत सारे बंदे हैं, प्राइवेट सिक्योरिटी वाले बंदे हैं। तो मेरे को लगता है एलेक्स छुप करके वहीं पे रह रहा है, उसको वहीं पे जाकर के बहुत बुरा पीट और जाकर के सारी गाड़ियों को वापस लेकर के आ जाए। तो ठीक है भाई, फटाफट से पहुंचते हैं और अपनी बाकी बची हुई गाड़ियों को वापस लेकर के आ जाते हैं। तो भाई अगर आप चैनल पर नहीं हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक एंड प्रेस करके सोल सर्ट कर दो। अगर तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो जल्दी से आपके वीडियो को लाइक कर लो। मैंने आपको लाइक्स का एम बता दिया है 30,000, जल्दी से आकर से पूरा करा दो। अभी तक आपने मेरे सेकंड चैनल को चेकआउट नहीं किया, बाद में जाकर उसको चेकआउट कर लेना, मैं उस पर जीटी की वीडियो डालता हूँ मेरे प्यारे ड्राइवर। चल बेटे, तो भाई फटाफट से पहुंचते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। भाई मैं साइट पर पहुंच चुका हूँ, लेस्टर के हिसाब से यहीं पर हमें हमारा एलेक्स मिलने वाला है। आगे चलते हैं और बंदे से सारी गाड़ियां लेकर के उनको खत्म कर देंगे, मतलब कि भाई बंदों को खत्म कर देंगे, गाड़ियों को खत्म थोड़ी करेंगे। भाई इतना टाइम लग गया हमें इन कार्स को ढूंढने में, और एक नंबर की कार से आपको पता ही है सारी सारी ट्रांसफॉर्मर कार है। फिलहाल भाई इस साइड पर मेरे को याद आ रहा है मैं पहले भी आ चुका हूं, अभी तक ये भाई बिल्डिंग बनके तैयार नहीं हुई, हद हो करके रखे हुए मेरे भाइयों, इतना खतरनाक और इतना ढीला काम करते हो। अबे भाई थोड़े अच्छे से बंदे लगाओ, वर्कर्स लगाओ यहाँ पे, ताकि जल्दी से तुम्हारी बिल्डिंगें पूरी हो जाए। फिलहाल हर एक बंदा अलर्ट खड़ा हुआ है, जैसे कि मेरे को अभी गोलियां चला करके जान से मार देंगे, ऐसे थोड़ी मार देंगे, ड्राइवर नाम है इसका, हलवा थोड़ी है। हेलो मेरे प्यारे प्यारे चाचा जी, क्या आप मेरे को बताओगे प्लीज आपके बॉस कहाँ पर है? फिलहाल बंदा बोल रहा है कि ड्राइवर सर बॉस यहाँ पर नहीं है, काफी टाइम से वो नहीं आए हैं, इसलिए हम यहाँ पर खड़े हुए। उन्होंने यही ऑर्डर्स दिए थे कि जब तक वो ना आए यहाँ पर एक तो काम स्टार्ट नहीं होना चाहिए और कोई भी बंदा अंदर नहीं जाना चाहिए। फिलहाल मेरे को इसने परमिशन दे दिया, बोल रहा है कि ड्राइवर सर आप आराम से जा सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं, आप चाहे तो हमारी साइट को देख सकते हो। फिलहाल मेरे को परमिशन है भाई, बाकी किसी और बंदे को परमिशन नहीं है। इसको बोलते हैं अलग ही लेवल का स्वैग, और ड्राइवर को इसको भाई हिम्मत भी नहीं है मना करने की। अगर इसने हिम्मत कर दी तो आपको बताइए फिर इसके साथ होने क्या वाला है। तो फिलहाल जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, मेरे को भी लगता है यार पूरी की पूरी जगह खाली पड़ी हुई है, एक सिंगल भी वर्कर यहाँ पर नहीं है काम करने के लिए आगे जो रखा हुआ है। तो ऊपर निकलते हैं भाई, देखो ऊपर जाने का रास्ता यहीं से होना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके भाई मेरे को ऊपर जाने का रास्ता मिल चुका है, बंदा ने फिलहाल यहाँ पे लिफ्ट नहीं लगाई है बट सीढ़ियाँ अभी तक लगा दी है। चलिए भाई सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के ड्राइवर पीठी ऊपर जा और ऊपर वाले फ्लोर पे चेक कर। भाई मैं ऊपर जाकर के इसलिए चेक करना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं एक बार देखना चाहता हूँ बंदे आखिर सच्चे हैं झूठे हैं या झूठ बोल रहे हैं, क्या पता बॉस को यहीं पर छुपा करके रखा हो वगैरह वगैरह। तो फिलहाल भाई मेरे को लगता है बंदे सच ही बोल रहे हैं। चले यार ज़्यादा टेक नहीं करते, नहीं तो थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, आप जैसे कि देख पा रहे हो थोड़ा टाइम फिर मेरा यहाँ पे खर्च हो जाएगा। तो ड्राइवर बीठी जरा नीचे निकल, तो लेस्टर को बोलता हूँ कि लेस्टर भाई जी कोई फायदा नहीं हुआ, आ करके मैंने इस जगह पे चेक कर लिया है, मैंने ऊपर वाला फ्लोर भी चेक कर दिया, नीचे वाला तो अलग ही बात है, नीचे भी एक भी बंदा नहीं है ना ही ऊपर एक भी बंदा है। तो भाई शायद से तेरी इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी गलत है, तो इसलिए भाई यहाँ से बाहर निकल के उसको फोन करके बोल देता हूँ लोटक किया। चलो भाई जंप मारना पड़ेगा। भाई मेरे पास अभी फ्रैंकलिन का फोन आया, सच में मजा सा आ गया यार। जिन गाड़ियों को मतलब थी ट्रांसफॉर्मर कार्स को मैं ढूंढ रहा हूँ वो मिल चुकी है। फ्रैंकलिन को मैंने बोल के रखा है कि फ्रैंकलिन खाली था भाई, तो मैंने सोचा क्यों ना इससे कुछ काम ले लूँ। मैंने उसको 3 दिन से बोल के रखा कि मैं इस टाइप की गाड़ियों को ढूंढ रहा हूँ तो मेरी हेल्प कर। तो फिलहाल अभी उसको सारी की सारी कार्स मिल चुकी है, ना कोई वहां पर बंदा था ना कोई था, सिर्फ वो एक घर में गया वैसे ही सर्च करने के लिए, मतलब उसने अपने खबरियों को लगा के रखा हुआ है। तो उसने कुछ खबरियों ने उसको खबर दी और बोला कि फ्रैंकलिन सर हमें वो सारी की सारी कार्स मिल चुकी है, हमें वो सारे सारे ब्रीफ केस मिल चुके हैं जिनमें कार्स होती है, मतलब कि कार्स जो कन्वर्ट हो जाती है ब्रीफ केस में, आ जाइए और चेक करिए। फिर फ्रैंकलिन वहां पर गया, उसने चेक करा तो भाई बिल्कुल असली ही ब्रीफ केस है, सारी की सारी गाड़ियाँ वही है। तो यार ऐसे कैसे हो जाएगा, हम तो सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पे कमर जुड़वा रहे हैं और देखो हमें तो कुछ भी मिल के नहीं दिया और फ्रैंकलिन को फ्री में सारी चीज़ें मिल गई। ड्राइवर बैठे फटाफट से जगह पर पहुंचते, भाई पहुंचते चलो जल्दी से। भाई पहुंच चुका हूँ जगह पर, तो फ्रैंकलिन ने मेरे को यहीं पर मिलने के लिए बुलाया, काफी अजीब सी जगह मेरे को लग रही है, तो भाई जाकर के चेक तो करना ही पड़ेगा। हट जा पीटी आराम से, हट जा हट जा, टक्कर लग जाएगी मर जाएगा भाई, मान के नहीं दे रहा। तो फिलहाल चलिए मैं थोड़ा आगे आ चुका हूँ, तो फिलहाल भाई मेरे को ऐसा लगता है ना सामने फ्रैंकलिन खड़ा हुआ है और उसके साइड में ना ब्रीफ केस रखे हुए बहुत सारे, मैं जाकर के चेक करता हूँ वही चीजें नहीं है। फ्रैंकलिन बैठे क्या हाल चाल है? अरे तो जगह बड़ी अजीब सी लग रही है मेरे को, ऐसा लगता है यहाँ पे कोई काम चल रहा है, कोई बंदा कुछ बना रहा है यहाँ पे। देखो भाई सारा सारा काम ही चल रहा है, अब तक जगह पूरी कंप्लीट नहीं है, आप क्रेन को देख के समझ ही गए होंगे।
फिलहाल फ्रैंकलिन भाई कैसा है रे तू भाई साहब? 1, 2, 3, 4, 5, 6 भाई देख रहे हो यहाँ पे 6 बॉक्सेस रखे हुए हैं, तो इसका मतलब इनमें 6 गाड़ियां है और 3 हमारे पास ऑलरेडी है, तो मतलब कि 9 गाड़ियां टोटल थी। तो भाई शायद से इतने ब्रीफ केस मैंने देखे थे फर्स्ट टाइम जब मैं गया था बंकर में। फ्रैंकलिन यार एक बार मेरे को फिर से बताएगा तू कैसे यहाँ तक पहुंचा इतनी जल्दी से? यार मैं तो सुबह से ढूंढ रहा हूँ और मैंने काफी मेहनत भी कर ली, मेरे को नहीं मिले, कैसे मिले तेरे को? भाई फ्रैंकलिन से मेरी बात हो चुकी है, फ्रैंकलिन मेरे को बोल रहा है कि ड्राइवर भाई मेरे पास फोन आया था, अभी मैं घर पर आराम कर रहा था, एक बार मेरे खबरी का फोन आया, खबरी ने मेरे को बोला कि सारे के सारे ब्रीफ केस मिल चुके हैं, जगह पे पहुंच जाइए। मैंने यहाँ पे आकर के देखा यहीं पे रखे हुए थे, मैं खुद कंफ्यूज हूँ भाई, सच में कमाल हो गया। तो चलो एक काम करता हूँ भाई, सारे सारे ब्रीफ केस गाड़ी में डालता हूँ अपनी और लेकर के लेसर के पास चलता हूँ, लेसर की फैक्ट्री में, और उसी से पता करूंगा क्या है ड्रामा, इतनी आसानी से मिल जाएंगे। चलो तो भाई अपने तो काम हो गया ना, बात ही खत्म है, एलेक्स जब मिलेगा तब उसको मार देंगे। फिलहाल लेकर के चलते हैं और विक्टर से डील फाइनल करते हैं, देखते हैं हम कितनी कार रखेंगे और वो कितनी कार रखेगा। भाई मैं पहुंच चुका हूँ अपने प्यारे लेस्टर के पास, ये देखो भाई सारे सारे ब्रीफ केस मैंने इसके पास रख दिया। लेस्टर तो सोच रहा है ड्राइवर यार सच में मजा आ गया, बट मेरे को बड़ी अजीब सी चीज लग रही है, कहीं कोई प्लानिंग तो नहीं हो रही ना? फिलहाल भाई जब हो रही होगी तो बाद में देख लेंगे। फिलहाल जो भी है लेस्टर भाई जी गाड़ी आ चुकी है, अपने भाई को फोन कर, विक्टर को, अपने दोस्त को, उसको बोल उसका मैंने सारा काम कर दिया आराम से। थोड़ी सी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आई थी बट लास्ट में तो जरा सी प्रॉब्लम भी नहीं आई है, तो तू भाई उसको बुला और डील फाइनल करते हैं और ये अपना काम फिनिश करते हैं। जल्दी बोल भाई। लेस्टर काफी देर से विक्टर को फोन लगाने का ट्राई कर रहा है बट भाई वो बंदा फोन नहीं उठा रहा। लेस्टर बोल रहा है यार मेरे को टेंशन हो रही है, कभी भी विक्टर ऐसा नहीं करता, वो फोन हमेशा उठाता है भाई, जैसे कि आप देख रहे हो अभी बहुत ज्यादा टेंशन में लग रहा है, बार बार गर्दन हिलाया जा रहा है, तो यार ऐसा कैसे हो सकता है? लेस्टर भाई तो टेंशन मत ले, थोड़ा ट्राई करे जा, क्या पता थोड़ी देर में बंदा फोन उठा ले, फोन उठा लेगा टेंशन मत ले भाई, इसका वो पक्का दोस्त है इसलिए इसको बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। तो भाई टेंशन लेने की देखो बात भी है, बंदा फोन नहीं उठा रहा, चलो देखते हैं आखिर कितने टाइम तक फोन नहीं उठाता, फिर इसको ढूंढने के लिए निकलेंगे। भाई पूरी 10 मिनट तक हो चुकी है फोन लगाते लगाते, फोन नहीं उसने एक भी उठाया, तो लेस्टर ने फिर फाइनली भाई उसके फोन को ट्रेस करा, उसकी लास्ट लोकेशन को, फोन ऑन है अच्छी बात तो यही है, नहीं तो फिर हम फोन कैसे मिला पाते। तो फिलहाल उसके फोन को ट्रेस कर लिया लेस्टर ने, बोल रहा है कि उसकी लास्ट लोकेशन में जाकर के चेक कर जहां पे उसका फोन बज रहा है, मतलब कि भाई घंटी जा रही है, तो वहीं पे जाकर के चेक करते देखते भाई क्या पता हमारा प्यारा भाई वहीं पर हमें मिल जाए, काश मिल जाए यार। मेरे को भी कुछ गड़बड़ लग रही है, एकदम से गाड़ियों का मिलना, विक्टर का फोन ना उठाना, कुछ देखो भाई अजीब चीज चल रही है, बट वो मैं समझ जाऊंगा, ज्यादा टाइम नहीं लेगा, फटाफट से पहुंच ड्राइवर बेटे। वैसे मैंने भाई आज आपकी कार का मतलब कि हमारी जेम्स ऑटो वाली कार का कलर थोड़ा चेंज कर दिया है, मैंने इसको भाई ब्लैक में रखा है, तो यार ये भी मेरे को ठीक लग रहा है, इतना बुरा नहीं लगा, मैंने सोचा थोड़ा चेंज करते हैं, काफी टाइम से हमने इसको गोल्ड में करवा के रखी हुई थी, तो मैंने गोल्ड थोड़ा चेंज करा दिया, बाद में करा लेंगे, आपको बताइए पैसा बहुत है, कोई टेंशन नहीं। फिलहाल आज मैंने इसको ब्लैक रखा है, ब्लैक भी अच्छा लगता है, ब्लैक सूट ब्लैक कार। भाई मैं जगह पर पहुंच चुका हूं, लेस्टर ने मेरे को यही जगह बताई है, यही उसकी लास्ट लोकेशन है, तो इसी एरिया में मेरे को ढूंढना पड़ेगा भाई, पूरा मेरे को एरिया सर्च करना पड़ेगा। विक्टर अच्छा अच्छा जी कहाँ पर हो आप? तो फिलहाल भाई ये जगह यार बड़ी इतनी खाली क्यों पड़ी हुई है, कुछ तो गड़बड़ यहाँ पे चल रही है, चेक तो करना ही पड़ेगा, यहाँ पर एक ट्रक खड़ा हुआ है। आपको ये जगह याद आई है, यहीं पे भाई एक प्लेन क्रैश होकर के रखा था, आपको 400 एपिसोड में शायद से याद ही होगा, तो यहाँ पर प्लेन क्रैश के बाद माइकल आया था, सामने ही वो जगह है, फिर ऊपर से अपने ड्राइवर भाई ने एंट्री ली थी, तो भाई यहीं पर वो वाला काम हुआ था। तो फिलहाल तो ये जगह पूरी की पूरी साफ हो चुकी है, मतलब वो प्लेन जो था उसको हमने हटवा दिया है, तो यहीं पर वो प्लेन क्रैश था। एक सेकंड यार, यहाँ पर लास्ट टाइम प्लेन क्रैश था, अब ये गाड़ी है भाई लिमोजिन, और ये गाड़ी मेरे को लगता है विक्टर की है, जब भी वो हमसे मिलने के लिए आता था तो लिमोजिन कार में आता था। एक सेकंड भाई, लो भाई बंदे मिल गए मेरे को, तो मेरे प्यारे प्यारे विक्टर चाचा, यार इन सबको बांधा किसने है? कुछ तो गड़बड़ चल रही है। विक्टर भाई टेंशन मत लो, अभी खोलता हूँ आपको, ये दोनों इसके गार्ड्स है भाई जो इसके साथ में हमेशा रहते हैं, और ये विक्टर है। विक्टर टेंशन मत ले भाई, मैं आ चुका हूँ। भाई मैंने विक्टर को खोल दिया, मैंने इससे बातें भी कर ली है, थोड़ी जरूरी बात इसने मेरे को बताई है, और भाई काफी खतरनाक वो बात है। तो विक्टर अपने आराम से चला जाएगा, अपनी गाड़ी को सीधी करवा लेगा बाद में। ये मेरे को बता रहा है मेरे को यहाँ पर बुलाया एक बंदे ने डील के लिए, और भाई फिर हम जब यहाँ पर आए यहाँ पे कोई भी नहीं खड़ा हुआ था, फिर अचानक से हम तीनों को पीछे से वार करा किसी ने, मतलब कि सर पे डंडा वगैरह मारा है, जिसकी वजह से तीनों बेहोश हुए, और जब इनको होश आया तो फिलहाल यहाँ पर तीनों बंदे बंधे हुए थे, और उस बंदे ने बोला कि आज लेस्टर को बंदा मारने वाला जिसने भी सारा काम कराया। फिलहाल उस बंदे ने मास्क पहन के रखा था, हमने कुछ गार्ड्स के साथ वो था यहाँ पर, बट फिलहाल भाई बस इनको यही पता चला है कि लेस्टर के ऊपर अटैक होने वाला है, इसलिए मेरे को जल्दी से दोबारा से फैक्ट्री में पहुंचना पड़ेगा, और मैं पहुंच चुका हूँ डेजर्ट में, तो मेरे को पहुंचना थोड़ा टाइम तो लगेगा, इसलिए लेस्टर को फोन कर देता हूँ कि लेस्टर पीठी तेरे ऊपर अटैक होने वाला है, तेरा विक्टर दोस्त बता रहा है, क्योंकि उसके ऊपर किसी ने अटैक कराया और अगला नंबर तेरा है, अटैक करने वाले ने खुद ही विक्टर को ही बुलाया, तो इसलिए प्लीज तू जल्दी से निकल जा अपनी फैक्ट्री से, मैं 2 मिनट में पहुंच रहा हूँ वहां पर। भाई मैंने फोन लगाने का ट्राई करा, मैंने 2-3 बार मिलाया, लेस्टर भी फोन नहीं उठा रहा। अरे भाई ये हो क्या रहा यार, पहले तो हमें खुद ही ब्रीफ केस मिल जाती है, फिर ऊपर से हमारा दोस्त विक्टर जाता है, अभी लेस्टर फोन नहीं उठाता। ये फ्रैंकलिन बेटे उल्टा सीधा काम तू ही तो नहीं कर रहा ना, चलो तो बाद में चेक कर लेंगे, पहुंचता हूँ जल्दी। भाई मैं लेस्टर की फैक्ट्री पर पहुंच चुका हूँ, भाई 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 कुछ गड़बड़ चल रही है, फैक्ट्री में किसी ने बॉम्ब लगा दिया भाई, आग लगने में लगी हुई है। अरे लेस्टर बेटे को जला तो नहीं दिया किसी ने, तभी वो फोन नहीं उठा रहा।
भाई बहुत सारी आग लग रही है भाई, मेन गेट पर भी मैं अंदर नहीं जा सकता, अगर मैं अंदर गया तो अपना ड्राइवर भी जलकर मर जाएगा, ये तो बड़ा बुरा काम हुआ। तो भाई थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ आग के रुकने का, क्योंकि जब तक आग नहीं रुकेगी मैं अंदर नहीं जा सकता। यार ये तो बहुत बदतमीज़ वाला काम कर दिया, किसने कराया यार ये काम? एलेक्स को मैं नहीं छोड़ूंगा भाई, इस एलेक्स ने तो बहुत गंदा काम कराया मेरे साथ। बेटे एलेक्स तू तो गया, ये नहीं करना चाहिए था तूने, अपने दोस्त को जान से मारने की कोशिश कर दी भाई इसने। अभी लेसर को सच में ना हो गया हो तो मैं उसको बहुत बुरा मारूंगा। ड्राइवर बेटे तो अंदर जा सकता है क्या? नहीं नहीं भाई अंदर नहीं जाती, और यहाँ तक आग निकल करके आ रही है, मैंने अगर अंदर जाने की कोशिश करी तो गड़बड़ हो जाएगी, जैसे कि आप देख पा रहे हो पूरे पूरे स्टूडियो में आग लगी हुई है। नहीं नहीं भाई अभी अंदर नहीं जाते, थोड़ा सा वेट कर लेते, जैसी आग शांत हो जाएगी उसके बाद ही अंदर जाएंगे, वही सबसे बेस्ट रहेगा, कभी भाई हमें भी खतरा हो जाए, समझ रहे हो ना, बचाने के चक्कर में कभी हम खुद भी मर जाए। भाई मैं पीछे की तरफ आ चुका हूँ लेस्टर की फैक्ट्री के, भाई फैक्ट्री अभी भी जलने में लगी हुई है। मैंने फोन मिलाया लेस्टर को, इसने तो फोन नहीं उठाया, फिर मैंने माइकल को फोन मिलाया, तो माइकल मेरे को बोल रहा है कि हाँ मैं लेस्टर के पास ही हूँ, बिल्कुल ठीक है तू फैक्ट्री के पीछे आ जाना जब भी तू यहाँ पर आएगा। तो भाई देखो लेस्टर को बचा लिया, हुआ ये कि मुझसे पहले, जैसे मेरे को विक्टर ने बताया भाई कि लेस्टर के ऊपर खतरा है, तो मुझसे पहले माइकल ने खबरियों ने इसको पहले ही बता दिया था, तो माइकल टाइम पर पहुंच गए थे फैक्ट्री में और इसने आकर के लेस्टर को मुझसे पहले बचा लिया। माइकल तूने पहली बार जिंदगी में बहुत अच्छा काम करा भाई, कि तूने लेस्टर को आकर के बचा लिया, बहुत अच्छा हुआ। अभी तेरे को पता चला किसने सारा सारा काम करा है? मेरे को तो एलेक्स नाम के बंदे के ऊपर शक है भाई। माइकल मेरे को बोल रहा है कि ट्रेवर तू टेंशन मत ले, मेरे बहुत सारे बंदे शहर में, बस तू मेरे को थोड़ी सी परमिशन दिला दे। भाई ये मेरे से परमिशन मांग रहा है, मेरे को बोल रहा है कि ट्रेवर देख तू फिलहाल जनरल है शहर का, और मेरे को यार थोड़े से मर्डर करने पड़ेंगे, गैंग वालों को मारना पड़ेगा, फिर पुलिस वाले आकर के मेरे को परेशान करेंगे क्योंकि मैं अभी किसी पोस्ट पर नहीं हूँ। तो तू एक काम कर, मेरे को एक साइन करके दे दे पेपर्स पे, उन पेपर्स पे तू साइन मेरे को करके दे देगा ना, तो फिर मैं आराम से हर एक पुलिस वाले को मिलिट्री वाले को उनको दिखा दूंगा, अगर मैं कहीं पर भी बंदों को मारूंगा तो फिर बंदे मेरे को कुछ नहीं बोलेंगे, मैं बोल दूंगा जनरल ने मेरे को ऑर्डर दे करके रखे हैं दुश्मन को खत्म करने के लिए। तो फिलहाल भाई माइकल काफी अच्छा आइडिया है, ठीक है माइकल भाई पेपर निकाल, मैं साइन कर देता हूँ, कोई भी अगर बंदा तेरे को रोकेगा बोल देना ड्राइवर ने साइन करके दिए हैं, ड्राइवर की परमिशन से मैं सभी बंदों को मर्डर कर रहा हूँ भाई। फिलहाल अभी इसको परमिशन लेनी पड़ेगी आपको बताइए जनरल की, गवर्नमेंट के लिए काम करने के लिए, क्योंकि फिलहाल भाई अभी हमारा प्यारा माइकल गवर्नमेंट में काम नहीं करता, इसने अपने आप ही जॉब छोड़ दी थी, तब मेरी परमिशन तो इसको लगेगी, नहीं तो फिर भाई इसको पुलिस अरेस्ट कर लेगी, सीधी सी बात है। माइकल भाई टेंशन मत लो, हम आपके पीछे, लाओ पेपर दो। भाई मैंने अपने प्यारे प्यारे माइकल का पेपर को साइन करके दे दिया है, माइकल परमिशन मैंने दे दिया कि भाई जहां पे जाना है जिसको मारना है हल्ला मचा, कोई टेंशन नहीं है, पूरे शहर की पुलिस तेरे को कुछ नहीं बोलने वाली। अभी माइकल भी भाई काम पर लग चुका है, उसको भी एलेक्स के ऊपर ही शक है, तो एलेक्स का नेता ये भी बनाएगा जा करके, मैं ही बनाऊंगा जा करके। फिलहाल लेस्टर को मैंने लगा दिया काम पे, लेस्टर तू यहीं पर रहे और मेरे को इन्फॉर्मेशन निकाल निकाल के देता रहे कहाँ पर वो बंदा मिलेगा, क्योंकि देख तू तेरी फैक्ट्री को चलाया उस बंदे ने, बदला लेने का टाइम आ चुका है। तो लेस्टर तो काफी गुस्से में भाई, अभी बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, तो मेरे को थोड़ी देर फोन करने ही वाला है कहाँ कहाँ मेरे को एलेक्स मिलेगा वगैरह वगैरह हर एक चीज जल्दी से पता करते हैं। भाई लेस्टर का मेरे पास फोन आया, उसने मेरे को काफी अजीब बात बताई है, उसने भाई कुछ टाइम का कैमराज को चेक करा, उसी टाइम का कैमराज को चेक करा, आपको याद है बंदे ने मेरे को बोला था एलेक्स ने कि भाई आज पकड़ सकता है तो पकड़ ले, नहीं तो फिर तू मेरे को पकड़ नहीं पाएगा, और वो भागा था अपने प्लेन में मेरे ही एयरपोर्ट से, मैंने उसको फॉलो भी करा था काफी टाइम तक, बट वो मैं पकड़ नहीं पाया था। फिलहाल उसी टाइम में कैमरास को चेक करा लेस्टर ने सैटेलाइट को हैक करके, आपको पता है सैटेलाइट काफी चीजों की इमेजेस दिखा सकती है क्योंकि वो ऊपर होती है, तो भाई हर एक एरिया को हम कवर कर सकते हैं, तो उन्हीं सैटेलाइट इमेजेस को यूज करके लेस्टर ने ये पता लगाया कि भाई उस बंदे का प्लेन क्रैश हो गया था पानी में, वो पहुंच ही नहीं पाया, उसने मेरे को लोकेशन भेज दी है भाई। तो मैंने भी कुछ पुलिस वाले बंदों को ऑलरेडी बोल दिया है कि मैं तुम्हें कोऑर्डिनेट सेंड कर रहा हूँ, वहां पे जाकर के चेक करो उस पानी में वहां पे कोई प्लेन है या नहीं है, तो अभी पता चल जाएगा भाई हमारी सैटेलाइट की इमेजेस सही है या नहीं है, जल्दी पहुंचता हूँ जगह पे पुलिस वाले को इन्फॉर्म करके। भाई मैं जगह पर पहुंच चुका हूँ, पुलिस वाले भाई मुझसे पहले यहाँ पर बोट लेकर के पहुंच चुके हैं, ट्रेड बेटे फटाफट से नीचे चल। भाई मैंने ऑक्सीजन सिलेंडर लगा दिया है, बंदर ने वेरीफाई कर लिया प्लेन यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो उस दिन भाई प्लेन जा रहा था और यहाँ पर आकर के वो क्रैश हो गया। तो फिलहाल भाई पुलिस वालों ने अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कराया, अभी मैं जाकर के नीचे चेक करना चाहूंगा इस प्लेन में कितनी डेड बॉडीज पड़ी हुई है। अगर एलेक्स की बॉडी मेरे को यहाँ पे 1% मिली सपोज करो भाई, तो फिर तो सारी कहानी ही बदल जाएगी, क्योंकि प्राइम मर चुका है बेचारा हमारा प्यारा भाई, उसको मारा था एलेक्स ने, और अगर अब एलेक्स भी मर गया तो फिर ये सारा काम कर कौन रहा है, ये ब्रीफ केस कैसे मिले, लेस्टर के ऊपर अटैक, विक्टर के ऊपर अटैक, फिर तो थोड़ी कन्फ्यूजन मेरी बहुत बढ़ जाएगी भाई। मेरे प्यारे एलेक्स बेटे तू पानी के अंदर है क्या? ट्रेवर थोड़ा आगे की तरफ जाकर के चेक कर भाई, फिलहाल यहाँ पर मेरे को कोई दिख तो नहीं रहा, प्लेन तो फिलहाल मेरे पुलिस वाले बंदों ने ढूंढवा दिया, तो इस प्लेन में भाग रहा था उस दिन बंदा, तभी बोलो इतनी तेज कैसे निकल गया था, इस प्लेन की स्पीड भाई काफी फास्ट होती है, और देखो गोल्ड वाला प्लेन है, बंदा पैसे वाला तो है एलेक्स, इसका मतलब मैं समझ चुका हूँ। तो फिलहाल चेक कर लेते हैं भाई, कोई मेरे को लग तो नहीं रहा, एक बार देखता हूँ प्लेन के अंदर जाने का रास्ता है नहीं है, क्योंकि भाई इतने टाइम से प्लेन पानी में है, क्या पता मैं इसके डोर को ओपन ना कर पाऊँ, ऐसा हो सकता है क्योंकि भाई पानी का प्रेशर काफी हो जाता है, तो फिलहाल चेक कर लेता हूँ। वैसे यार मेरे को लगता है कोई बंदा है नहीं अंदर, जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैं आपको विंडो से दिखा देता हूँ,
कोई भी बंदा अंदर नहीं है जैसे मैंने अभी देखा विंडो से। ड्राइवर बैठे आराम से भाई, फर्स्ट पर्सन है, पहली बार मैं स्विमिंग कर रहा हूँ, काफी अजीब लग रहा है। तो भाई आप देख रहे हो प्लेन के अंदर कोई भी नहीं है बंदा, पूरा प्लेन खाली पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब इसके अंदर जो कोई भी था वो निकल के भाग चुका है। ठीक है भाई, मैंने चेक कर ली सारी चीजें। चल ड्राइवर बैठे फटाफट से पानी के ऊपर आ, ये चीज काफी मजेदार अभी होने वाली है। तो ठीक है भाई अब भी चलते हैं। चल ड्राइवर चाचा जी, निकलो यहाँ से फटाफट से। तो भाई बाहर निकलता हूँ पानी के और जल्दी से ये बात लेस्टर को बताता हूँ। लेस्टर प्लेन तो क्रैश हुआ था, इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक है, बट भाई प्लेन में कोई भी बंदा नहीं है, इसका मतलब एलेक्स बच चुका है, वो जिंदा है। भाई मेरे पास लेस्टर का फोन आया, काफी टाइम हो गई भाई उस बात को जब मैं पानी में चेक करके आया था। तो लेस्टर मेरे को बोलता है कि ट्रेवर मैंने कैमरास को चेक करा कुछ ही देर बाद, एक घंटे के बाद जैसे ही प्लेन क्रैश हुआ, तो एक घंटे के बाद ही बहुत सारे गार्ड्स आए। मेरे को लगता है वो एलेक्स के बंदे थे, उन्होंने दो तीन बॉडी प्लेन से निकाली नीचे जा करके। तो फिलहाल भाई मेरे को लगता है अभी एलेक्स बच गया है, और फिलहाल वो उसको एक जगह पे ले करके चले गए थे। उस बेस की इन्फॉर्मेशन मेरे को बता दिया मेरे लेस्टर ने, जिन बंदों ने प्लेन से बॉडी निकाली अभी वो कहां पर है। तो फिलहाल चलते हैं भाई, देखते हैं, उनको तो पता ही होगा ना एलेक्स चाचा कहां पर है। एलेक्स चाचा जी आपको लिबर्टी सिटी में जाने का मौका नहीं मिलेगा। फिलहाल ये बंदा भाई आपको पता ही है लिबर्टी सिटी वाला बंदा। भाई मैं जगह पर पहुंच चुका हूं, तो फिलहाल कितने सारे बंदे खड़े हुए हैं अभी डंडा बजने के लिए, ये तैयार हो चुके हैं सारे के सारे बंदे, तो डंडा बहुत पूरा बजाएंगे। ट्रेवर पीटी ऊपर निकल जल्दी से फटाफट से। तो भाई चलो बंदों से बातें कर लेते हैं। हेलो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, बाला वाले नमूने सामने, प्राइवेट वाले नमूने, बहुत सारे नमूने यहाँ पर है। तो आपको बताइए ट्रेवर का नमूनों को पीटने बहुत मजा आता है, प्राइवेट वालों से बात करते हैं, बाला वालों से बात ही नहीं करते। मेरे प्यारे भाई देख, सच बताना कहाँ पर एलेक्स है, तू एलेक्स का बंदा है ना। देख भाई मिनी गन में गोलियां बहुत रखता है ट्रेवर, और गोल्ड मिनी गन है, ऊपर से नमक की गोलियां है, बहुत मजा आएगा, बोल चाहिए तेरे को। भाई इस बंदे ने जो बात बताई है सच में भाई दिमाग घूम चुका है, अभी मेरी सारी प्लानिंग हो चुकी है खराब, क्योंकि अभी मेरे को ये नहीं पता मेरा दुश्मन कौन है। मैंने इससे बातें करी तो बंदे ने मेरे को बोला कि ट्रेवर सर आप कैसी बातें कर रहे हो, हमारे एलेक्स भाई ऐसा कभी कर ही नहीं सकते आपके साथ में, हमें नहीं पता ब्रीफ केस के बारे में, लेस्टर के ऊपर किसी ने अटैक करा वगैरह वगैरह। क्योंकि उस दिन जब प्लेन में अटैक हुआ, प्लेन ऑटोमेटिक क्रैश नहीं हुआ था, हमारे प्यारे एलेक्स के ऊपर अटैक करा था किसी ने ट्रेवर भाई मिसाइल से, और इस वजह से प्लेन का बैलेंस खराब हुआ, प्लेन सीधा पानी में गिरा। फिर हमें जैसे एकदम से खबर मिली, हम सीधा पहुंचे पानी में और अपने बॉस को प्लेन से निकाला। तो जैसे तैसे हमने मेहनत तो पूरी करी और बॉस जिंदा बच गए। तो भाई मैं सामने आपको दिखाता हूँ, फिलहाल एलेक्स चाचा तो यहाँ पर फटे पड़े हुए हैं बेड पर, मतलब ये अपने भाई बिल्कुल ठीक तरीके से सही नहीं हो पाए, पैरों पर नहीं चल सकते अभी, इनके हाथ पैर ठीक से काम नहीं कर रहे, इनकी बॉडी पैरालाइज हो चुकी है, यहाँ पर डॉक्टर ने यहाँ पे लगा के रखा हुआ है। हॉस्पिटल ये नहीं गए मेरे डर से, कभी ट्रेवर हॉस्पिटल में घुस के इसको मार देते, बेचारे को यहाँ पे रखा हुआ है। अबे तो बदतमीज, तो जनरेटर तो बंद कर दो, यहाँ पे इसकी आवाज़ में इसको सुना रहे हो, बेचारे को वैसे बीमार होकर रखा है। तो भाई जिस बंदे को मैं अभी तक सोच रहा हूँ ये दुश्मन है, एलेक्स नाम का नमूना, इसकी तो हालत बड़ी टाइट है भाई, ये तो अपने हाथ पैर भी ठीक से नहीं हिला सकता, ये क्या हमारे ऊपर अटैक करने वाला है। बेचारे के ऊपर खुद अटैक हुआ, बंदों के हिसाब से ये उसी दिन लिबर्टी सिटी जा रहा था लॉस सैंटोस को हमेशा के लिए छोड़कर, इसको मेरा बहुत डर लग गया था। मैंने आपको बोला था ये बंदा डर चुका है, शायद से भाग रहा है, बट बेचारा भाग नहीं पाया, इसके ऊपर अटैक हुआ और आखिरकार यहाँ पर आ चुका है। तो फिलहाल भाई मेरे ऊपर तो अटैक होने बंद नहीं हुए ना, मेरे ऊपर कल भी अटैक हुआ था 100 मील पर, आपको याद है, मैंने सोचा था भाई ये उसने करा है, इसने कुछ भी नहीं करा, इसका मतलब कल वाले अटैक वो भी किसी और बंदे काम थे, और आज वाले अटैक वो भी किसी और बंदे का काम है, और मैं फ्री में एलेक्स के ऊपर बिल फाड़ रहा हूँ बेचारे के। बेचारा है तो भाई मौत से लड़ने में लगा हुआ है, बचेगा नहीं बचेगा वो तो अलग बात है, बट इसके बंदे बड़े वफादार निकले भाई, इसको पानी में से निकाल के लेकर के आए और इसका इलाज करवा रहे हैं, देखो कितने अच्छे बंदे हैं। फिलहाल मैं यहाँ से निकलता हूँ और लेस्टर को सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि लेस्टर बेटे अब हो गई सारी प्लानिंग खराब, एलेक्स भी खत्म हो चुका है, प्राइम भी खत्म हो चुका है, फिर ये कौन है जो फ्री में पंगे लेने की कोशिश कर रहा है भाई, इसका पता लगा जल्दी से। भाई मैंने लेस्टर को सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, अभी मेरे पास कुछ मिलिट्री वाले बंदों का फोन आया जो कि मेरे को बुला रहे हैं मिलने के लिए, कुछ बताना चाहते हैं। तो चलिए मैं फटाफट से बोलता हूँ, आपको पता है आजकल मैं जनरल बन के रखा हूँ, और भाई बंदे मेरे को कुछ क्या बता गिफ्ट देना चाहते हो दोबारा से, चल करके बातें कर लेता हूँ। फिलहाल बंदे मेरे को बीच की तरफ मिलने वाले हैं, मतलब कि भाई पानी की साइड में मेरे को मिलेंगे। भाई मैं जगह पर पहुंच चुका, तो मेरे प्यारे मिलिट्री वाले बंदों ने मेरे को यहीं पर बुलाया, भाई काफी मिलिट्री वाले बंदे यहाँ पर खड़े हुए जैसे कि आप देख पा रहे हो। फिलहाल बंदे यहाँ पर कब से आगे रखे मेरे को तो बताया भी नहीं भाई इन्होंने, सामने इनका देखो एक योट भी खड़ी हुई सामने आपको दिखाई दे रही है, बहुत दूरी पर एक बहुत बड़ी योट है। तो फिलहाल भाई यहीं पर हमारे प्यारे चाचा जी, देखते हैं भाई लगता है मिलिट्री वाले का भाई ये छोटा सा कैंप यहाँ पे लगा के रखा होगा। भाई आपको बताइए मिलिट्री वाले हमारे लॉस सैंटोस में चारों तरफ फैल के रखे हुए हैं, और वो प्राइवेट तरीके से रहते हैं यहाँ वहाँ पर। तो फिलहाल ये वाले चाचा यहाँ के इंचार्ज है, इनसे बात करता हूँ। हेलो चाचा जी बताइए मुझे, भाई चाचा ने जो मेरे को बात बताई है सच में ड्राइवर को सुनकर के इतना खतरनाक झटका लगा है, इसका दिमाग पूरा हिला हुआ है, और भाई खोपड़ी से किसी वक्त बाहर आ सकता है निकल करके, क्योंकि बात ही इतनी खतरनाक है यार।
चाचा ने बोला कि मैंने इतने महीनों के बाद परमिशन दे दी है फाइनली प्रेसिडेंट को कि कोई मेरे अलावा प्रेसिडेंट बन सकता है। आपको याद है जब से डमरू मरे हैं हमारे शहर के, हमारे लॉस सैंटोस में मैंने किसी को प्रेसिडेंट बनने नहीं दिया। मैंने जितने बंदे आए सभी को मारा के प्रेसिडेंट तो सिर्फ ट्रेवर ही बनेगा। आपको याद ही होगा हमारे लॉस सैंटोस में कोई भी प्रेसिडेंट नहीं है भाई तब से अभी तक, क्योंकि बंदे बनने की कोशिश करते हैं और मैं उनको मार देता हूँ। मैंने सोचा कि मैं ही बनूंगा, मैं किसी को बनने नहीं दूंगा। कमिश्नर मैं था, जनरल अपना माइकल था, ये चीज चल रही थी। बट फिलहाल अभी इसने बोला कि मैंने माइकल को परमिशन दे दी है कि माइकल बनेगा प्रेसिडेंट लॉस सैंटोस का। तो ये बंदे काफी खुश है और बोल रहा है कि ट्रेवर सर हमारी तो पूरी इच्छा ही पूरी हो गई, मतलब कि आप तो बन के बैठ गए हो जनरल और आपका दोस्त बनेगा माइकल प्रेसिडेंट, तो अभी शहर को बहुत अच्छे से साफ किया जा सकता है। तो फिलहाल मैंने इसको बोला कि भाई मैंने तो किसी को नहीं बोला कि भाई तुम प्रेसिडेंट बनाओ माइकल को वगैरह वगैरह। फिर इसने मेरे को दिखाई भाई फोटो दिखाई फोन में, उसी पेपर का जिस पेपर का साइन माइकल ने मुझसे लिया था उस पेपर पे साफ साफ लिखा हुआ है कि मैंने परमिशन दी। मैंने भाई साइन करते पढ़ा नहीं क्योंकि माइकल क्या दोस्त अपना, मैंने सोचा कोई टेंशन की बात नहीं है सब कुछ सही लिखा रखा होगा उसने। तो भाई उन पेपर्स में साफ साफ लिखा हुआ है कि मैंने माइकल को प्रेसिडेंट बनने की परमिशन दे दी है, वो आराम से प्रेसिडेंट बन सकता है, मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो फिलहाल भाई ये क्या ड्रामा करा है माइकल ने मेरे साथ में, मतलब उन पेपर्स पे धोखे से मुझसे साइन लिया कुछ और बता करके, और भाई मिलिट्री वाले बंदों के अंदर ये बात फैल चुकी है कि मैं अभी माइकल को प्रेसिडेंट बनाना चाहता हूँ। भाई मैं तो नहीं बनाना चाहता यार, माइकल ने कमाल कर दिया है। तो फिलहाल चलो बाहर निकलता हूँ यहाँ से। भाई मैं लेस्टर से सारी सारी बातें शेयर करी है, तो लेस्टर मेरे को बोल रहा है यार सच में मेरे को भी काफी अजीब बात लग रही है, माइकल ने हमसे धोखे से साइन लिया पेपर पे, वो भी इतनी अजीब चीज के लिए कि उसको प्रेजेंट बनना है मिलिट्री वालों की नजरों में, ट्रेवर की परमिशन चाहिए थी बस बात खत्म। तो फिलहाल भाई चलो लेस्टर को मैंने बातें बताई, तो लेस्टर मेरे को ये बोल रहा है कि ट्रेवर मैंने उसकी लोकेशन ट्रेस कर ली है। फिलहाल माइकल अभी गोल्फ क्लब पे गया हुआ है काफी सिक्योरिटी के साथ में, उसके साथ में काफी सिक्योरिटी अभी मिलिट्री वाले ने प्रोवाइड करवा दी है क्योंकि तुम्हारे साइन की वजह से उसको अभी सिक्योरिटी मिलेगी और फिर उसको प्रेसिडेंट भी बना दिया जाएगा बिना ही इलेक्शन के, क्योंकि बीच में ही हमारे डमरू जी मर गए थे। भाई मैं पहुंच चुका गोल्फ क्लब पे, पीछे हमारा गोल्फ क्लब है आप देख रहे हो, सिक्योरिटी यहाँ तक खड़ी हुई है, इतने सारे पुलिस वाले बंदे माइकल की सिक्योरिटी के लिए आकर रखे हैं। ए माइकल फूफा जी तेरा तो मैं बस नेता बनाऊंगा, एक तो झूठ बोलता है मुझसे और कभी कहता तेरे को गवर्नमेंट का काम नहीं करने और तू आज प्रेसिडेंट बनने की तलाश में लगा हुआ है। हद है भाई साहब, यार मैं सोच रहा था मैं प्रेसिडेंट बन जाऊँ काफी दिनों के बाद, मैंने सोचा था ट्रेवर को प्रेसिडेंट बनाते हैं इसलिए मैंने जनरल बनने के लिए हाँ बोला, मैंने सोचा कि भाई जनरल बाद में माइकल को बना देंगे और मैं प्रेसिडेंट बन जाऊंगा। बट ये माइकल ना जब भी मैं कुछ सोचता हूँ हमेशा बीच में कूद पड़ता है। तो फिलहाल भाई काफी बंदे गोल्फ क्लब पर खड़े हुए, पता करता हूँ मेरे प्यारे चाचा जी कहाँ पर है माइकल फूफा जिसकी सिक्योरिटी के लिए आप आकर के रखे हो। तो बंदा मेरे को बोल रहा है कि ट्रेवर सर थोड़ा आप लेट हो गए, माइकल सर यहाँ से जा चुके हैं, आप चाहे तो जाकर के चेक कर सकते हैं, वो बहुत जरूरी काम से गए हैं, उन्होंने हमें भी साथ में नहीं लिया, अकेले निकल गए यहाँ से। तो फिलहाल भाई माइकल फूफा जी यहाँ से अकेले निकल गए हैं, सिक्योरिटी वाले बंदों को भी साथ में लेकर के निकले। कुछ देर पहले वो गोल्फ क्लब पे गोल्फ खेल रहे थे और कुछ बंदों से बातें कर रहे थे, तो इसका मतलब भाई ये गोल्फ क्लब में खेलना कम मीटिंग पॉइंट ज्यादा है, मतलब कि बंदे यहाँ पे मीटिंग करने के लिए आया था कुछ बंदों से और सोचा यहाँ पर मैं खेल भी लूंगा। तो फिलहाल देखो जैसे ये बंदे यहाँ पे खेलने में लगे हुए मेरे प्यार प्यार चाचा, तो देखते हैं भाई इन बंदे गोल्फ खेलते कैसे, हम भी तो देखे भाई इसमें दम कितना है। तो इस बेचारे बंदे को कहाँ पे मारेगा ये बॉल को, मार 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 भाई इसमें तो बड़ा कम दम है, अबे तुझसे अच्छा था मैं खेल लूं। भाई देख रहे हो मतलब हद है यार, इसको यहाँ पे इस बॉल को पहुंचाना है और यहाँ तक भी पहुंचा नहीं पा रहा इसको, मार 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 क्या आइटम है यार ये, आप देख पा रहे हो इसको कितने आराम आराम से आगे बॉल को लेकर के जा रहा है। अबे भाई क्यों पैसे खराब कर रहा है, कुछ ज्यादा ही पैसे आते हैं तेरे पास गोल्फ खेलने के लिए, तू आ क्यों रहा है यार, इतना खतरनाक खेलता है तू, तुझसे तो बंदे डर जाएंगे। अभी यहाँ पे इसने बॉल पूछा, अब इस तरफ से मारेगा, अब वहां पे पूछाना चाहता है और अभी लो भाई फिर से भी नहीं गई। चलो पहले इसने प्यार प्यार से मैं मानता हूँ इसको यहाँ पे लेकर गया बॉल को, तब भी इसकी बॉल में भाई दम नहीं है। भाई कितने टाइम से खेल रहा है भाई तू, बड़ा ही कमजोर बंदा लग रहा है भाई ये लो ये लो देखो क्या शॉट मारे जा रहा है, इसके शॉट देख रहे तो बड़ा मजा आ रहा है। तो भाई इसका गेम तो मैं जरूर देख करके जाऊंगा, बाकी चीज एक तरफ, इसका ये गेम एक तरफ, लग रहा है भाई लग रहा है तुझसे ज्यादा नमूना मैंने आज तक लॉस सैंटोस में नहीं देखा। अबे इतनी सी दूरी तो पहुंचानी है बॉल को, पहुंचाना जल्दी से, अरे भाई साहब इतना बड़ा कमाल का नमूना है। अरे मेरे प्यारे जीटीए वाले भाइयों इस पे थोड़ा ध्यान दे लेते, ये तो बड़ा थका हुआ खेल रहा है यार, हद मचा के रखी है सच में। अगर इसने नहीं पहुंचाई ना मैं इसमें डंडा बजा दूंगा सच में। ये क्या कर रहा है, अब वापस पहुंचा रहा है, बड़ी घटिया प्रोग्रामिंग करके रखी हुई है इस बंदे के ऊपर। तो अबे तेरे को शर्म नहीं आती भाई, कभी तू यहाँ ले जा रहा है बोलो, कभी वहां लेकर के जा रहा है इसको, अबे इसको हॉल में तो डाल दे भाई सच में यार, इतनी घटिया। मतलब मैंने सोचा तो थोड़ा अच्छा इनका एआई सिस्टम बना के रखा होगा रॉकस्टार वाले बंदों ने, बट यार ये तो मेरे को लगता है हॉल में बॉल को पूछाते नहीं है, बस ऐसे टाइम पास करते रहते हैं दिखावट के लिए। ये शोपीस है भाई,
ये सच में गोल्फ नहीं खेल रहे, इसका मतलब बस गेम के टाइप के इसको यानी बना के रखा हुआ है ताकि बस ये बॉल को यहाँ पे ले करके जाए, फिर यहाँ से वहाँ पे ले करके जाए, बात खत्म। तो मैंने आज पहली बार इस चीज़ पे नोट करा, तो इनको थोड़ा और एडवांस बनाना चाहिए था इस सिस्टम को। तो इस बंदे को तो मैं जरूर ट्वीट करके जाऊंगा बेटे, ताकि नेक्स्ट GTA में बिल्कुल बंदा ठीक होकर के आ जाए। ये ले बेटे, इसका मतलब GTA 6 में ठीक हो गए। अबे मेरे भाई थोड़ी एडवांस कर लेता प्रोग्रामिंग। बेचारे गोल्फ वाला बंदा भी सोच रहा होगा, अरे मेरे डेवलपर्स मेरे ऊपर थोड़ी सी प्रोग्रामिंग ज्यादा करते थे ताकि मैं बॉल होल में डाल करके थोड़ा एडवांस खिलाड़ी बन जाता। तो फिलहाल चलिए भाई यहाँ से निकलते हैं, मैंने देख लिया है ये मीटिंग पॉइंट है, यहाँ से अभी बाहर निकलते हैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। जल्दी से अभी चलता हूँ, फिर माइकल की करंट लोकेशन पता भी तो अपने लेस्टर से करवाऊंगा, बोलूंगा भाई वो गोल्फ क्लब पे आया था मीटिंग करने के लिए वगैरह वगैरह, बट फिलहाल अभी यहाँ पर भी वो नहीं है। चेक करके बता इससे पहले कुछ और भी अलग चीजें मेरे को सुनने को मिले। भाई लेस्टर से बात हो चुकी, लेस्टर मेरे को बोल रहा है ठीक है पता लगाता हूँ माइकल कहाँ कहाँ पे भटकने में लगा हुआ है, जब तक तू एक बेस पर जा। भाई आपको याद है मेरा एक मिलिट्री बेस है जो कि कुछ टाइम पहले जब माइकल गैंगस्टर बनना था उसने मुझसे ले लिया था और बोला था कि मेरे प्यार प्यार ड्राइवर वो बेस प्लीज यार मेरे को दे दे, पानी वाला मेरा मिलिट्री बेस, वो फिर मैंने माइकल को दे दिया था। तो उसी वाले बेस के बारे में लेस्टर ने मेरे को बुलाया और बोला ये है कि उस वाले बेस पर आग लगी हुई है, ब्लास्ट हो गया है वो बेस बहुत बुरी तरीके से, जाकर के चेक कर। तो भाई ये काम के पीछे कौन है यार, मेरे को लगता है सारे सारे माइकल का हाथ है। बट यार माइकल ने तो उसको जानबूझ के मुझसे लिया था, खुद ही वो बोल रहा था वहां पे वो अपने एडवांस टीम को खड़ी करेगा वगैरह वगैरह सारे काम करेगा, बट फिर उसी बेस को उसने कैसे खत्म कर दिया, कुछ और गड़बड़ है भाई। चलो जल्दी से चेक करता हूँ जाकर के कितना दम है लेसर की बातों में। भाई अब पहुंच चुका हूँ अपने उस प्यारे से मिलिट्री वाले बेस पर, पूरा आतंक उठा करके रखा है भाई, जिस बंदे ने भी आतंक उठाया है ना उसका नेता बनाने का मेरा पूरा पूरा मन कर रहा है, क्योंकि उस बंदे की वजह से मेरा भाई ये बहुत प्यारा सा पानी का मिलिट्री बेस, और मेरे को लगता है एक सिंगल बंदा भी नहीं बचा होगा। अभी भी बॉम्ब काफी बड़ा फटे जा रहा है भाई, ये काम किसका है, ये एलेक्स तो नहीं कर सकता भाई, एलेक्स को तो मैं अपनी आंखों से देख करके आया हूँ, एलेक्स तो हिलने लायक भी नहीं है, और उसके बंदे मुझसे बदला लेना जिंदगी में नहीं सोचेंगे भाई, उनमें इतना दम ही नहीं है। तो ये काम किसी और ही बंदे का है, ये माइकल, यार माइकल भी ऐसा क्यों करेगा, उसने तो स्पेशल मुझसे मांग कर लिया था ये वाला बेस, माइकल ये काम करेगा ही नहीं, सीधी सी बात है। माइकल चलो मानता हूँ उसने छोटी सी चीटिंग करी है, पेपर्स पे साइन लिया है प्रेजेंट बनने के लिए, बट ये काम माइकल नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो फिलहाल चलो भाई यहाँ से निकलता हूँ, जो चीज़ मैंने देखनी देख ली। फिलहाल अभी बॉम्ब का प्रेशर इतना ज्यादा है कि मैं जा करके पर्सनली चेक नहीं कर सकता कि कितने बंदे मरे कितने नहीं बचे, बाद में अपने बंदों को भेज करके चेक करवा लूंगा, क्योंकि मैंने अगर चढ़ने की कोशिश करी तो भाई आग अपने ट्रेवर तक भी पहुंच सकती है, और मैं नहीं चाहता भाई ट्रेवर चाचे के ऊपर आग पहुंचे, इसलिए भाई चलिए फटाफट से दोबारा से अपने शहर में निकलते हैं जल्दी से। वाह भाई वाह यार, कैसे कैसे काम कर रहे हैं बंदे, कुछ तो गड़बड़ चल रही है, और मेरे को जल्दी से पता लगानी पड़ेगी कि आखिर गड़बड़ चल कैसे रही है। पानी की लहरें आप देख रहे हो, कितना मस्त है यार, सच में बोट का नेता बन जाए अगर कुछ ज्यादा देर ये लहरें और भी ऊंची हो जाएगी ना, तो फिर बोट का बैलेंस खराब होने ही वाला है। भाई मैं शहर में दोबारा से पहुंच चुका हूँ, अभी मेरे पास फोन आया लेस्टर का, वो मेरे को बोल रहा है उसको माइकल मिल चुका है, माइकल को भाई प्रेसिडेंट अनाउंस कर दिया है मिलिट्री वाले बंदों ने, उन्होंने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करा, उनको सिर्फ परमिशन का वेट था, क्योंकि भाई आपको पता है पूरे 2 या 3 महीने से वेट कर रहे हैं मिलिट्री वाले बंदे के उनको कब नया प्रेसिडेंट मिले और पूरे शहर को कंट्रोल किया जाए, तो उनको तो सिर्फ परमिशन चाहिए थी ड्राइवर की, और एकदम से उन्होंने भाई काम शुरू कर दिया, अनाउंस हो चुका है कि पूरे शहर का नया प्रेसिडेंट कौन है माइकल। तो फिलहाल अभी भाई मैं इस चीज़ को चेंज भी नहीं कर सकता यार, क्योंकि अनाउंस हो चुका है, लाइव न्यूज़ चल रही है, मेरे को बोल रहा है अपना प्यारा प्यारा लेस्टर के जा करके चेक कर ले पैसिफिक स्टैंडर्ड बैंक पे, वहाँ पे रैली करने में लगा है माइकल, वहाँ पे पूरे मीडिया वाले बंदे आगे रखे, हर एक न्यूज़ चैनल का बंदा वहाँ पे उस न्यूज़ को कवर कर रहा है। फिलहाल यार इतनी फास्ट तरीके से काम हो जाएगा, माइकल ने यार धोखा दिया यार ड्राइवर को, सच में यार बड़ा दुख हो रहा है, अगर उसको प्रेजेंट बनना था तो बोल देता मेरे को, मैं सोचता फिर कुछ, बट उसने धोखे से साइन लिया यार, बोला कि मेरे को परमिशन चाहिए बंदों को मारने के लिए वगैरह वगैरह। भाई मैं पहुंच चुका अपने माइकल के पूरी रैली में, सच में भाई माइकल तो मजे लेने में लगा हुआ है, ले ले बेटे मजे ले ले, पावर ऐसी चीज होती है। तो फिलहाल चलो आगे की तरफ निकलता हूँ और देखता हूँ कहाँ पर माइकल मिलेगा, इतने सारे बंदे आकर के रखे हैं भाई, सारे के सारे बंदे इसको कवर कर रहे हैं, न्यूज़ वाले काफी बंदे यहाँ पर है, पुलिस वाले सिक्योरिटी वाले। कल तक तो इसने मेरे को ऐसा बोला था, आपको याद है जब गैंगस्टर बनने के लिए बोल रहा था तो यार मेरे को नहीं करना गवर्नमेंट के काम वगैरह वगैरह, ये ले देखो भाई बीच में खड़ा हुआ है माइकल, पीठ ही तेरा इलाज तो बाद में करूँगा घर पे पहुँच करके, फिलहाल बस यार इसने सारा का सारा काम मेरा खराब कर दिया, ये माइकल ने ऐसा काम करा मैंने कभी नहीं सोचा कि माइकल मेरे साथ ऐसा करेगा, इतना गंदा काम। बेटे तुझे पावर के चक्कर में ड्राइवर को धोखा दिया है भाई, अगर देखो कोई काफी बड़ी वजह हुई, इसने मेरे को बोला ड्राइवर में काफी मुसीबत में था, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था तो चलो कोई बात नहीं भाई चलता है इतना तो, बट फिलहाल अगर बिना वजह इसने मेरे को झूठ बोल के सारा काम करवाया है ना
तो फिर माइकल चाचा को मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा भाई, माइकल को फिर बताऊंगा कि धोखा देने का नतीजा क्या होता है, ट्रेवर को थोड़ी सेवा तो मैं इसकी जरूर करूंगा। फिलहाल चलिए अपनी गाड़ी में निकलता हूँ और देखते भाई अभी कहाँ कहाँ पे माइकल जाने वाला है, क्या मजे लेने वाला है। फिलहाल तो यहाँ पर रैली चल रही है तो ठीक है भाई, वो मैंने सिस्टम देख लिया, ये सारी चीजें न्यूज पे आ रही है तो मैं नहीं चाहता यार माइकल मेरे को यहाँ पे देखे, इसलिए मैं वॉच को यूज कर गया था। अभी मैं और ये देखना चाहता हूँ कि और क्या क्या इसने प्लानिंग बना के रखी है, ये सब कुछ जानबूझ के कर रहा है या कोई मजबूरी में कर रहा है, पता चल ही जाएगा। भाई मैं काफी टाइम से माइकल को फॉलो कर रहा हूँ, माइकल अपने पुलिस वाले बंदों के साथ में अभी डेजर्ट से भाई चक्कर लगा करके आया है, मतलब कि वहां के बंदों को इन्होंने दिखा दिया कि नया प्रेजेंट कौन है शहर का। फिलहाल आपको याद है कल ये वाला सेम सेटअप मेरे लिए भी करा गया था, तो आज ही सारा सेटअप माइकल के लिए भी करा गया है भाई। बस फर्क इतना है कि इसके पास स्टैचू नहीं है, मेरे पास स्टैचू थे तो बंदों ने गाड़ी पे स्टैचू का होलोग्राम लगाया था। और फिलहाल भाई इस बंदे ने देखो तो सही यार क्या काम कर दिया, मतलब पूरी मेरे जैसी पावर कॉपी कर ली। अबे माइकल भाई तू इतना बड़ा कॉपी कब से करने लग गया, सच में हद मचा रहा है। ट्रेवर ने किए थे सारे के सारे काम, आज तू सारे काम सेम वही कर रहा है, देख रहे हो भाई। बट थोड़ा सा स्टाइल इसने चेंज करा है कि ये गाड़ी के ऊपर खड़ा हुआ है भाई, समझ रहे हो, देखो अपनी लिमोजिन सामने जा रही है गोल्ड कलर की, इसी के ऊपर माइकल खड़ा होकर के मजे ले रहा पूरे शहर के। तेरा नेता तो मैं ही बनाऊंगा बेटे माइकल, फिलहाल तो भाई पूरे डेजर्ट में इन्होंने चक्कर काटा है। अगर यार देखो मैं सारी चीजें देखता तो वीडियो काफी लंबी हो जाती, इसलिए मैंने सोचा चलो थोड़ी थोड़ी चीजें देख लेते हैं। फिलहाल अभी तो पता नहीं क्या क्या आज करने वाला है, फिलहाल अभी तो भाई पूरे शहर में शो ऑफ कर रहा है अपनी पावर्स का कि मैं नया प्रेसिडेंट हूँ लॉस सैंटोस का। देखो मेरे प्यारे भाइयों आज से मैं करने वाला हूँ लॉस सैंटोस में हर एक काम। तो फिलहाल पता नहीं कहाँ तक ये बंदे जाएंगे इसको लेकर के, बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स, बहुत सारे गाड़ी वाले बंदे भाई इसके सिक्योरिटी के लिए आकर के रखे हुए हैं, ऊपर हेलीकॉप्टर उड़े जा रहे हैं, मतलब सेम अरेंजमेंट बिल्कुल वही वाला जो कल मिलिट्री वाले बंदों ने मेरे को दिया था ना जनरल बनने पर, वही सेम अरेंजमेंट भाई इनके लिए भी करके रखा है, मतलब कि माइकल के लिए बंदों ने करा है। सही है भाई, वैसे यार आपको पता है प्रेजेंट है यार माइकल के लिए अरेंजमेंट तो करेंगे ही, इसमें मिलिट्री वाले को मैं कोई भी गलती नहीं मानूंगा, वो तो वही काम कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए एक प्रेजिडेंट के लिए अपने प्यारे बंदे के लिए। बस माइकल से मेरे को इस वक्त थोड़ा गुस्सा है यार, माइकल से शिकायत ये है कि माइकल ने मेरे को धोखा दे करके प्रेजिडेंट बनाया और इतनी जल्दी से बन गया, पता नहीं क्या इसने चाल चली कि इसको एकदम से प्रेजिडेंट बना के अनाउंस कर दिया बिना इलेक्शन के ही। इलेक्शन तो खैर भाई टाइम था उस चीज में इसलिए नहीं हो पाए, बट फिलहाल इसने करा क्यों, क्या है यार ये माइकल भी, सच में जब भी मैं सोचता हूँ कि सारी चीज़ सही हो गई ये सारी चीज़ें खराब हो जाती है, और मेरे दोस्त ही ज़्यादा आकर के मेरे को बहुत परेशान करते हैं। तो फिलहाल चलिए भाई अभी इनको कब तक आखिर फॉलो करूँ, टाइम काफ़ी लग जाएगा अगर मैं इनको बार बार ऐसे फॉलो करता रहा काफ़ी लंबे टाइम तक। तो मैं फाइनली भाई जा करके चेक कर लेता हूँ कि आखिर इसका शेड्यूल क्या है, थोड़ी देर में कहाँ पे मेरे को मिलने वाला वगैरह वगैरह। अभी तो इसको राउंड लगाने दो भाई, मजे लेने दो अपनी पूरी पावर्स का। बेटे माइकल तेरा नेता ट्रेवर ही बनाएगा, तू ले ले यहाँ पे राउंड लगा ले। फिलहाल भाई चलो हमने जो देखना था देख लिया, आगे बढ़ते हैं। फिलहाल तो माइकल अपनी सिक्योरिटी के साथ आता रहेगा, थोड़ा टाइम इसको लग जाएगा आने में, क्या पता कहाँ तक आज घूमने वाला है। मेरे को लगता है इसको पूरे लॉस सैंटोस से चक्कर लगवाएंगे जैसे मेरे को लगवाया था। पहुंचता हूँ भाई मैं जब तक अपने प्यार लेस्टर के पास और जाकर के उससे सारी सारी बातें डिस्कस करता हूँ। भाई मैं लेस्टर के पास पहुंच चुका हूँ, फिलहाल फैक्ट्री के ऊपर नहीं गया भाई क्योंकि आपको बताइए यहाँ पे भी ब्लास्ट हुआ था, थोड़ी हालत ठीक नहीं है, जब वो रिपेयर हो जाएगी तब वहाँ पे चले जाएंगे। लेस्टर बेटे पूरी पूरी बातें बता, क्या तेरे को लगता है, तेरे को क्या समझ में आता है ये सारा काम किसको हो सकता है। भाई लेस्टर से मैंने बातें कर ली, लेस्टर मेरे को बोल रहा है माइकल लगता है मेरे को, क्योंकि मेरे को किसी और के ऊपर शक नहीं जाता। मैं कंफर्म ये तो नहीं कह सकता उसका इस चीज़ के पीछे क्या मोटिव है, बट मेरे हिसाब से 99% मेरे को तो माइकल के ऊपर शक है क्या उसने सारा काम ये करा है, हमारी फैक्ट्री के ऊपर अटैक करना, विक्टर के ऊपर अटैक करना और वो बॉक्स जानबूझ के हमें देना। फिलहाल वो बॉक्स भाई चेक कर लिए, मतलब कि वही हमारे ब्रीफ केस हमने चेक कर लिए, वो सारे फेक है भाई, एक भी असली नहीं है। इसका मतलब वो गाड़ियाँ सारी सारी नकली है जो कि फ्रैंकलिन को दी गई है, पता नहीं उनको दिया क्यों गया है वो तो बाद में पता कर लेंगे, बट फिलहाल लेस्टर के हिसाब से तो भाई माइकल ये सारे काम कर रहा है। एक बात और मेरे को लेस्टर ने बोली, लेस्टर बोल रहा है कि आज माइकल के मैंने फ़ोन को हैक करा, उसके शेड्यूल मैंने हैक कर लिए फ़ोन से सारे सारे, वो कहाँ पे जाने वाला है हर एक चीज़ मैंने चेक कर ली। थोड़ी देर में जब वो रैली पूरी खत्म हो जाएगी, मतलब इसका राउंड पूरा लग जाएगा लॉस सैंटोस में, तो वो जाएगा मीटिंग करने के लिए उस ही वाली बिल्डिंग में भाई जहाँ पर हम स्टार्टिंग में गए थे ना, जो बिल्डिंग बंद पड़ी है, मतलब कि उसमें काम नहीं चल रहा, वहाँ पे मेरे को कुछ बंदे मिले थे गन को लेकर के, वहीं पर मुझे माइकल मिलने वाला है। भाई पहुंच चुका हूँ उसी वाले साइड पर, तो फिलहाल बंदे फिर से यहाँ पर ही खड़े हुए मेरे प्यारे भाई, तो यार यहाँ पर खड़े रहते हैं आपको पता है, बहुत से ऑर्डर्स दे करके रखे मेरे प्यारे प्यारे भाइयों। मैं जरा अभी आपकी बिल्डिंग में दोबारा से जाकर के चेक करना चाहता हूँ, मेरे को वैसे यार कुछ काम यहाँ पर याद आ गया था, लास्ट टाइम मैं यहाँ पर कुछ भूल गया था अपना। भाई बंदे देखो तो सही कितने चालाक बनते, बोल रहे ड्राइवर सर हम आपको ढूंढ करके दे देंगे, बाद में हम आपके घर पे पहुंचा देंगे। फिलहाल देखो अभी आप ऊपर नहीं जा सकते, आपको मैं परमिशन नहीं दूंगा, आप आज एक बार चले गए कल आ जाइएगा, अभी मत आना। देखो क्या मतलब बहाना बना रहा है, तो इसका मतलब ये चाहता है कि मैं ऊपर ना जाऊँ, लगता है ऊपर काफी चीजें चलने में लगी हुई है, अभी पता कर लेता। तो ठीक है भाई कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ यार यहाँ से, आप टेंशन क्यों लेते हो,
बेटा तू क्या रोक पाएगा ड्राइवर को, तो भाई यहाँ से गाड़ी को लेकर के निकलते हैं, वॉच को यूज करके आएंगे। देखो भाई बंदे में कितना चेंज आ गया, पहले इसने बोला था आप चाहे तो जाकर के चेक करते हो, हम आपको परमिशन दे देंगे, अब मेरे को परमिशन नहीं दे रहा। इसका मतलब यहाँ पे कोई तो है जो यहाँ पर चुपचाप आकर के बातें करने में लगे हुए बहुत ही सीक्रेट तरीके से, और इनको बोला होगा कि किसी को भी अंदर मत आने देना है, ऐसे कैसे नहीं आ पाएंगे। ड्राइवर भीठा नाम है इसका, तुम जैसे को तो नेता बना देता है, सोते सोते ही आ जा भाई ड्राइवर वॉच को यूज कर, तो हम भी तो देखे कौन चाचे यहाँ पर बातें करने में लगे। भाई सच में वॉच कितनी काम आती है यार, अगर ये वॉच हमारे पास नहीं होती तो क्या होता, बहुत ही परेशानी होती फिर तो। फिलहाल चलिए भाई मैं पहुंच गया हूँ हमारी प्यारी प्यारी बिल्डिंग के अंदर, तो इन चाचाओं को क्या पता हमसे पंगा ले गए, भाई तुम्हें सीधा कर दूंगा। तो भाई देख लेता हूँ नीचे की तरफ मीटिंग चल रही है, नीचे की तरफ नहीं होगी भाई, नहीं तो बंदे मेरे को पहले दिख जाते। अभी सीधा मैं चलूंगा भाई ऊपर वाले फ्लोर पर, भाई मैं ऊपर की तरफ आ चुका हूँ, और शेड्यूल के हिसाब से माइकल भी यहीं पर आने वाला था मीटिंग के लिए, क्योंकि हमने उसके फोन को हैक करा, लेसर बोल रहा था इसी जगह पर वो आने वाला, तभी तो मैं यहाँ पर आया। मेरे प्यारे प्यारे माइकल पीटे कहीं पर है क्या? ओके भाई मेरे को माइकल दिखा, सामने शायद से कोई लड़की खड़ी हुई है भाई, अभी जाकर के चेक करता हूँ कौन ये लड़की है, क्या यहाँ पे बातें चलने में लगी है, कुछ तो चल रहा है। फिलहाल क्यों है भाई ये लड़की, इसको देख लेते हैं जरा। फिलहाल तो अभी हम गायब होकर के रखे हैं, तो पहचान तो हम इस लड़की कर ही सकते हैं, तो कौन है ये? फिलहाल भाई मैंने आज तक इस लड़की को कभी नहीं देखा, मेरा माइकल बीठा यहाँ पे क्या कर रहा था, देखते हैं भाई दोनों की बातें क्या चल रही है आपस में, दोनों की बातें सुन लेते हो। और भाई देखो बातें कितने दूर दूर खड़े होकर के कर रहे हैं, अबे माइकल का तेरे को खा जाएगी ये, हद है भाई इतना डिस्टेंस। चलो अपनी अपनी भाई बात होती है, कुछ क्या पता क्या बात है भाई, दूर दूर खड़े होकर के बातें कर रहे हैं, बातें सुन लेता हूँ। भाई माइकल ने दिल तोड़ दिया यार सच में, मैंने कुछ दिन पहले जब मतलब कि जब हमारी लास्ट सीरीज एंड हुई थी तो मैंने सोचा था माइकल बहुत अच्छा है, सुधर गया है, उसके समझ में आ चुका है कि गैंगस्टर बनने से कुछ नहीं है वगैरह वगैरह, बट माइकल ने यार आज गलत साबित कर दिया ट्रेवर को। इसने अभी यहाँ पर ऐसी ऐसी बातें करी है कि जब तक ट्रेवर रहेगा ना मैं कभी अपना कैरियर नहीं बना सकता, ना ही मैं गवर्नमेंट की चीज़ों में और ना ही गैंगस्टर की चीज़ों में। लास्ट टाइम भी मैंने गैंगस्टर बनना सोचा बट वो मेरा बेकार दोस्त ट्रेवर मेरे रास्ते में आ गया, मैंने सिर्फ उससे हेल्प मांगी थी कि तू जा करके चेक कर ले कि आखिर ये जनरल कौन है उसकी जगहों पे। भाई आपको याद है मेरे को फोन करा था, शायद से तीसरे दिन फोन करा था माइकल ने कि जाकर जगहों पे चेक कर, फिर ट्रेवर करें भाई जगहों पे जाकर के चेक करा, इसको शक हुआ जनरल के ऊपर साइंटिस्ट के ऊपर, तो ये भाई उस चीज़ को गलत ले रहा है। तो माइकल मेरे को सोच रहा है कि इस ट्रेवर ने मेरी चीज़ों में उलझ के मेरे साइंटिस्ट को मरवा दिया, मेरे उस जनरल बंदे को परेशान करा वगैरह वगैरह बहुत सारे काम करे, मैंने सिर्फ उससे बोला था जाकर के मेरे को इन्फॉर्मेशन दे, बट नहीं उसने तो पूरे पूरे चीज़ में ऐसे उतर गया, उसने मेरे को गैंगस्टर बनने का मौका ही नहीं दिया, सभी दुश्मनों को उसने खुद ही पकड़ के मेरे को ऐसे ला करके दिए कि जैसे मैं कोई छोटा बच्चा हूँ, और मेरे को बोलता है इन तीनों को मार दे और तू गैंगस्टर बन जाएगा। तो भाई यार ये तो कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो के रखा है, और इसके दिमाग में बहुत ज़्यादा गलत फहमी भर दी है मेरे लिए कि मैं इसको कुछ करने नहीं देता, लास्ट टाइम भी मैंने इसके लिए कुछ नहीं करने दिया, मतलब कि भाई जैसे ही ट्रेवर को सारी चीज़ें पता चलती चली गई ट्रेवर ने फिर सारा काम खुद ही करना शुरू कर दिया, इसको फिर मतलब इतनी इंपॉर्टेंस मिली नहीं, आपको पता है भाई फिर मैंने सारा काम ट्रेवर से ही करवाया वगैरह वगैरह, और माइकल फिर से ऐसे ही रह गया। बट अब की बार ऐसा नहीं होगा, ये इसको बोले जा रहा है कि अब की बार मैंने उसका बेवकूफ़ बना करके प्रेजिडेंट मैं बन चुका हूँ, और अब दिखाऊंगा इस ट्रेवर को मैं चीज़ हूँ क्या। बेटे तेरा नेता तो मैं बनाऊंगा, तूने मेरे को धोखा दिया बेटे माइकल, मैंने सोचा था कि तू सुधर गया है और तू अब ये बदतमीजी कभी नहीं करेगा, मतलब कि गैंगस्टर बनना कभी नहीं सोचेगा, बट भाई ये तो अपने दिल में बहुत ज़्यादा नफरत लेकर के जिए जा रहा है। चलो फिलहाल यहाँ से बाहर निकलता हूँ, अभी मैं इसको कुछ नहीं बोलूँगा, अभी मैं ये देखूँगा कि आखिर ये क्या क्या और करने से आता है ट्रेवर के साथ में, कितनी और ज़्यादा नफरत इसके अंदर भरी हुई है। यार मैंने तो सोचा था कि सब कुछ सही हो चुका है माइकल के अंदर का, भाई वो कीड़ा मर चुका है, जो कीड़ा इसको बार बार बोलता था चल माइकल गैंगस्टर बनते हैं, चल माइकल गैंगस्टर बनते हैं, बट अभी तक वो कीड़ा भाई जिंदा है और सही सलामत है, और उस कीड़े की वजह से ही ना ये इतना ज्यादा खतरनाक होकर रखा है, इसने अपने पक्के दोस्त को धोखा दिया। भाई बचपन के दोस्त को ट्रेवर इसके लिए कुछ भी कर सकता है। भाई लेसर से मेरी बात हो चुकी है, हमने दोबारा से इसका नेक्स्ट प्लान चेक करा, इसका फोन तो हमने हैक करके रखा हुआ है, अगला शेड्यूल है भाई माइकल के घर पे पार्टी, माइकल आज अपने रात को घर पे पार्टी देने में लगा हुआ है, और वहां पर लेसर के हिसाब से कुछ खास बंदे आने वाले हैं जिन बंदों ने माइकल को सपोर्ट करा है काफी इस सारे गलत काम को करने के चक्कर में, वो सारे के सारे बंदे मिले हुए हैं, तो मेरे को भाई रात तक का वेट करना पड़ेगा, और पार्टी में चलते फिर देखते हैं कौन कौन खास बंदे आने वाले माइकल से मिलने के लिए जो किसके पार्टनर है। भाई रात के 9 बज चुके हैं, और देखो देखने में ऐसा लग रहा है ऊपर आसमान में जैसे अभी भाई 7 ही बजे हुए, पार्टी स्टार्ट हो चुकी है, काफी गेस्ट आने शुरू हो चुके हैं, मैं तो वॉच को यूज करके जाऊंगा, मेरे को इन्वाइट नहीं करा गया, माइकल नमूने तेरा मैं इलाज कर दूंगा, अपनी पार्टी में तो मेरे को इन्वाइट नहीं करा। तो फिलहाल भाई यहाँ पे काफी बंदे, एम्बुलेंस वाले बंदे भी, अगर कुछ खतरा हो जाए पुलिस वाले भी काफी, और भाई लगता है शायद से नॉर्मल बंदे हैं फिर पार्टी में इनको इन्वाइट करके रखा है। देखो भाई सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर सभी को एंट्री देने में लग रहे हैं, सभी का नाम चेक कर करके, लिस्ट में इनका नाम है तो इनको अंदर जाने देंगे, नहीं तो नहीं जाने देंगे, और ये बेचारा कोई न्यूज़ वाला बंदा होगा, क्योंकि आपको बताइए भाई प्रेसिडेंट का घर है तो देख रहे हैं पार्टी में कौन कौन आ रहा है, इससे अच्छी न्यूज़ तो इसको कभी मिल ही नहीं पाएगी। भाई प्रेसिडेंट बन के इतना चौड़ा हो रहा है माइकल, इसका नेता मेरे को बनाना पड़ेगा। तो फिलहाल भाई चलिए घर के अंदर आ चुका हूँ, भाई अरेंजमेंट आपको बताइए माइकल बहुत ही अच्छा करता है, देखो लाइटिंग वगैरह। एक सेकेंड यार,
अभी जो मैंने चीज पर ध्यान दिया, माइकल खड़ा हुआ है। पहलवान जी ये कैसे जिंदा हो सकता है भाई? जनरल इस बंदे का नाम है, ये वो बंदा है, इसको मैंने अपने हाथों से मारा था, इसका पैर कैसे कहां पर आया भाई? अबे क्या हो गया तेरे पैर में? कुछ तो गड़बड़ चल रही है दया, बट उससे भी ज्यादा गड़बड़ ये चल रही है, ये नमूना जिंदा कैसे बचा? अपने इन्हीं हाथों से गोली मारी थी भाई इसको, क्या कर रहा है तू ये माइकल? ये बच कैसे सकता है? कुछ तो गड़बड़ चल रही है, बातें सुनता हूँ भाई। मैंने बातें सुन ली है, उस टाइम जब माइकल ने भाई जानबूझ के ड्रामा करा था ना कि ट्रेवर अभी सब कुछ सही हो चुका है, चल हम पार्टी करते, फिर हमने शाम को पार्टी करी थी, तो माइकल को जब मैंने छोड़ दिया था ना भाई घर पर पार्टी की तैयारी करने के लिए, माइकल दोबारा से उसी बिल्डिंग पर पहुंचा था, इसने इस पहलवान को बचाया जानबूझ के जा करके, तो ये पहलवान बचाया इसने इसीलिए क्योंकि इस पहलवान को पहले से जानता है। ये मेरे को पता नहीं है इसको पहले से कैसे जानता है, बट ये हमारा जनरल माइकल को पूरा सपोर्ट कर रहा है ताकि माइकल बहुत बड़ा गैंगस्टर बन सके, और माइकल ने इसको प्रॉमिस ये करा है कि ये इसको जनरल बना करके रहेगा शहर का लॉस सैंटोस का, और इसने ये भी बोल दिया है कि ट्रेवर अभी जनरल है, टेंशन मत ले, मैं प्रेसिडेंट हूँ शहर का, और प्रेसिडेंट चाहे तो कुछ भी हो सकता है, ट्रेवर कुछ नहीं कर पाएगा, कल जा करके मैं नोटिस दे दूंगा कि अभी ट्रेवर जनरल नहीं रहेगा, आगे से कोई और जनरल आने वाला, क्योंकि ट्रेवर ने जॉब छोड़ दिया वगैरह वगैरह। तो भाई सीधी सी बात है, प्रेजेंट जो बोलेगा वही बंदे करेंगे, मिलिट्री वाले बंदे, क्योंकि भाई जनरल तो बहुत छोटी पावर में आता है और प्रेजेंट तो प्रेजेंट होता है। तो इस भाई दुश्मन के लिए इसने मेरे को जॉब से निकाल दिया, वाह भाई वाह, तेरा तो नेता बनाऊंगा भाई। तो एक गैस तो मैंने देख लिया भाई, ये तो कैसे कैसे बंदों के साथ में रह के रखा हुआ है, सबसे उल्टी बात तो मेरे को यही लगी, इसने इसको बचा लिया जा करके, तेरे को नहीं छोड़ूंगा बेटे माइकल। फिलहाल लेस्टर को बोलता हूँ कि भाई मैं बाकी चीज़ें नहीं देख पाऊंगा, नहीं तो फिर मैं इन सभी को यहीं पे गोली मार के एंड कर दूंगा, इस माइकल ने काफ़ी मूड ख़राब कर दिया। तो मैं लेस्टर को बोलता हूँ भाई तू यहाँ के सारे कैमराज को बैठ करके देखता रहे, मेरे को बाद में बता देना यहाँ पे कौन कौन आया था, इसकी पार्टियाँ वगैरह वगैरह, क्योंकि मुझसे नहीं देखा जाएगा, नहीं तो मैं इस पहलवान जी को यहीं पे गोली मार करके इसका यहीं पे एंड कर दूंगा, कोई फ़ायदा नहीं है। भाई देखते यार जो कुछ भी होगा, माइकल का भी करना क्या है, माइकल को पीट करके सही करना है या किसी और तरीके से इसको सही करना है वो देखना है। और आप लोग ये मत सोचना कि मेरी प्लानिंग है, नहीं भाई इसमें मेरी कुछ भी प्लानिंग नहीं है, मैंने आपको अपनी प्लानिंग बताई थी कि मैंने क्या प्लानिंग बनाई थी, मैं खुद प्रेजेंट बनता हूँ सभी गाड़ियों को लेकर के, मतलब पहले मेरे को विक्टर का काम करना था, उन सभी गाड़ियों को विक्टर को दे देना था, उसके बाद मैं प्रेजेंट बनता और माइकल को जनरल बना देता, ये मेरी प्लानिंग थी, बट इस बार तो कुछ उल्टा ही हो गया, इसका मतलब माइकल सुधरा ही नहीं है भाई। तो भाई पहला ही एपिसोड है जिसमें देखा जाए ट्रेवर ने एक भी सिंगल गोली नहीं चलाई, क्योंकि भाई गोली चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि बंदों ने इतना मूड खराब कर दिया, तो इस माइकल ने अभी गोली में चलाओ किस पे भाई बिना वजह, पर देखते हैं भाई जब भी बंदों को मारेंगे तो मारेंगे जरूर। फिलहाल आज वैसे रिकॉर्ड बन चुका है, मैंने लगता सच में ही एक भी गोली नहीं चलाई किसी बंदे पर, बस एक बंदे को पीटा था वो भी गोल्फ क्लब पे जा करके, उसके अलावा मैंने किसी बंदे को नहीं मारा, कमाल हो गया, रिकॉर्ड बन गया भाई आज तो, मजा आ गया। तो भाई अगर तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा जल्दी से आकर वीडियो को लाइक कर ले, वीडियो को लाइक का है 30,000 जल्दी से आकर सब पूरा करा दो, अगर तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया उस पर जाकर के फॉलो कर लो, उसका आपको यूजर नेम ऊपर दिखाई दे रहा होगा, जल्दी से आकर उसको फॉलो कर लो। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करो, रुपए लाइक एंड प्रेस करके उसको शेयर कर दो। अगर आपने मुझे डिस्कॉर्ड पर फॉलो नहीं किया उस पर भी फॉलो कर लीजिए, मैं उस पर लाइव आता रहता हूं, तो भाई आपको आकर के वहां पर अगर कुछ बातें करनी तो आप डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर सकते हो। तो बस मेरे भाई फिलहाल इस वीडियो के लिए सब इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।